Hi guys, welcome back to my Kanchipuram episode 2. इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे एकम्बरेश्वर मंदिर को, जहां माता पार्वती की परीक्षा लेने पहुंचे थे स्वयं भगवान शिव। पांच पवित्र जो शिव मंदिर हैं, उसमें से ये एक है। इन पांच पवित्र मंदिरों में से प्रत्येक मंदिर पांच प्राकृतिक तत्वों में से किसी एक का प्रतिनिधित्व करता है। एकाम्बरेश्वर मंदिर पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। ये बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली मंदिर है। ये देखिए शिवलिंग, ये 1008 शिवलिंग है इस मंदिर के अंदर। साउथ इंडिया में पांच प्राचीन शिव मंदिर हैं। इनका निर्माण मानव चेतना को विकसित करने के एक माध्यम के रूप में किया गया था। मैंने अपनी पिछली YouTube वीडियो में श्री कालहस्ती शिव मंदिर के बारे में बताया था, जो विंड वायु का प्रतिनिधित्व करता है, और नटराजन टेंपल जो चिदंबरम में है वो आकाश का प्रतिनिधित्व करता है, और एकम्बरेश्वर मंदिर जो कि कांचीपुरम में है ये पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। आप वीडियो में देख सकते हैं इस मंदिर में 1008 शिवलिंग हैं, और इस मंदिर का भी आर्किटेक्ट द्रविड़ियन आर्किटेक्ट है। आप देख सकते हैं कितने सारे शिवलिंग हैं। This vast temple is one of the most ancient temple in India, existence since at least 600 CE. ये शिव मंदिर 600 CE पुराना है, और इस मंदिर को पल्लव और चोला राजाओं ने बनवाया था। इस मंदिर में एक आम का पेड़ है जो 3500 से 4000 ईयर्स पुराना है। माना जाता है कि आम के इस पेड़ के नीचे माँ पार्वती ने भगवान महादेव शिव की पूजा की थी, और माता पार्वती शिव जी को प्राप्त करने के लिए उसी आम के पेड़ के नीचे मिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या करनी शुरू कर दी थी। शिव जी ने माँ से खुश होकर माँ पार्वती को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा, तो माता पार्वती ने विवाह की इच्छा व्यक्त की। महादेव ने माता पार्वती से विवाह कर लिया। आप देख सकते हैं वो आम का पेड़ इसी जगह पर था जो 4000 साल पुराना बताया जाता है, जहाँ पे पार्वती माँ ने तपस्या की थी शिवजी को पाने के लिए। ये देखिए 1008 शिवलिंग, बहुत ही शक्तिशाली शिव मंदिर है। और ये देखिए वो आम का पेड़ जहाँ माँ ने तपस्या की थी, और इसको, इस कुंड को शिव गंगा तीर्थम कहते हैं। इस कुंड में गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित है। यह है मेन एंट्रेंस गोपुरम। इस तरह के स्कल्पचर आपको पूरे मंदिर में देखने को मिलेंगे। So if you like my video, comment, like and subscribe. Thanks for watching.